मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी सलीम कुत्ता के साथ उभाटा सेना के सुधाकर बड़गुजर के करीबी संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए, यह बात कही है विधायक नितेश रानी ने। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाके फिर से हो सकते हैं, यह भविष्यवाणी की है विधायक नितेश रानी ने। उन्होंने कहा कि उभाटा सेना के नासिक के महानगर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी सलीम कुत्ता के साथ संबंध है। वह कुछ ही दिन पूर्व पेरोल पर छूटे सलीम कुत्ता के साथ पार्टी करते दिखाई दिए हैं। आज विधानसभा में 93 बॉम्ब ब्लास्ट का जो प्रमुख आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसका करीबी सलीम कुत्ता, जो लाइफ जन्म टेप में लाइफ उसको सजा लगी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगी है, और जब भी वो पेरोल पे था, पेरोल के खत्म होने के आखिरी दिन पे उसने एक पार्टी की, और वो पार्टी में उसके साथ उद्धव ठाकरे के शिवसेना का, उभाटा के शिवसेना का नासिक महानगर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर, ये उसके साथ उन्होंने पार्टी की, जो ये फोटोग्राफ में दिख रहा है, उस पार्टी के वीडियो भी मेरे पास है। वीडियो में गाने गाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, दारू की पार्टी चालू है, तो ये सारी की सारे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने और नासिक के गार्डियन मिनिस्टर हमारे दादा भुसे जी है, हमारे आशीष शेलार जी है, और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने साथ में मिल के की कि इस तरीके से टेररिस्ट लोगों के साथ अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस प्रमुख लोग अगर पार्टी करने लग गए तो हमारा देश और राज्य सुरक्षित नहीं है। और हम सब के मांग के अनुसार हमारे होम मिनिस्टर, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, DCM साहब ने इस सारे विषय के ऊपर SIT इंक्वायरी जाहिर की है, जल्दी इस सब चीज का दूध पानी का पानी हो जाए। इस मामले में नितेश रानी ने SIT जांच की मांग गृह विभाग से की है। देश विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई की जाए, यह बात भी उन्होंने इस वक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि नासिक के संपर्क प्रमुख संजय राउत है और बड़गुजर उनके करीबी है। पुलिस ने जांच करनी चाहिए कि बड़गुजर को किसका राजकीय सपोर्ट है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।